हेलो दोस्तों, काबिल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये क्वेश्चन सभी को आपको पता होगा। सही आंसर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं, लेकिन उनको अब शिफ्ट कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इनको बनाया गया है। पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों राम नाइक हुआ करते थे, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वीडियो का, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों बिहार के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों फागु चौहान है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल दोस्तों लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश दिवस भी दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार की अगर बात करूं दोस्तों, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, बिहार की कैपिटल पटना है, बिहार के गवर्नर फागु चौहान है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखना, लगभग 20 करोड़ 2011 सेंसस के अनुसार। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ये लालजी टंडन दोस्तों पहले बिहार के हुआ करते थे, कई समय से बिहार के थे, ठीक है, अब ये वर्तमान मध्य प्रदेश के हो गए लालजी टंडन साहब, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? कमलनाथ हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, और मध्य प्रदेश के गवर्नर दोस्तों लालजी टंडन राज्यपाल। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीनगर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आचार्य देवव्रत। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अब दोस्तों राजस्थान के हैं। राजस्थान के सीएम दोस्तों अशोक गहलोत हैं, और राजस्थान के डिप्टी सीएम दोस्तों सचिन पायलट हैं, और राजस्थान की कैपिटल है दोस्तों जयपुर। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्ताचार्य, ठीक है, बंडारू दत्ताचार्य हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों सीएम हैं दोस्तों जयराम ठाकुर। चलिए दोस्तों हम लोग कहां पर थे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों बंडारू दत्ताचार्य। हिमाचल प्रदेश के सीएम दोस्तों जयराम ठाकुर हैं, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दोस्तों शिमला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के दोस्तों वर्तमान राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है ना, और उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून है, और उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड से एक बात आपको ध्यान में रखनी है, फूलों की घाटी, फ्लावर वैली, ये उत्तराखंड में ही है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के दोस्तों वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण, ठीक है ना। एक्चुअली अभी अभी हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने सरकार बनाई है, और मनोहर लाल खट्टर वर्तमान सीएम है, और डिप्टी सीएम दोस्तों दुष्यंत चौटाला जी को बनाया गया। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों तो पंजाब के वर्तमान राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं, ठीक है। पंजाब की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़ है, और पंजाब के करंट सीएम की अगर बात करूँ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। टेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों केरल के वर्तमान राज्यपाल। केरल की कैपिटल दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, ध्यान रखिएगा।
11th क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। गोवा के अभी अभी हाल ही में वर्तमान राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो सही आंसर दोस्तों सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जी दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को दोस्तों दो भागों में बांट कर पूरे एरिया को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो अलग यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ से सत्यपाल मलिक जी को दोस्तों गोवा शिफ्ट किया गया है, गोवा के राज्यपाल अभी अभी बने हैं। राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। गोवा के दोस्तों सीएम की अगर बात करी जाए तो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं, गोवा की कैपिटल दोस्तों पणजी है और गोवा के राज्यपाल दोस्तों सत्यपाल मलिक जी हैं, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा ही है, लेकिन भव्य है, सुंदर है। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की अगर बात करी जाए तो पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों कैपिटल की अगर बात करी जाए अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों कैपिटल की अगर बात करी जाए तो अरुणाचल ईटानगर, ठीक है ना, क्या है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों सीएम की पेमा खांडू सीएम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, और वहाँ के गवर्नर की अगर बात करी जाए तो BD मिश्रा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दो तीन बार वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सरकार बनी है दोस्तों S जगन मोहन रेड्डी साहब की, ठीक है ना। YSR कांग्रेस उनकी पार्टी है, इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। 14th क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की दोस्तों कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ठीक है। असम के सीएम की अगर बात करी जाए तो सर्वानंद सोनेवाल हैं असम के सीएम, और असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर है, इम्पोर्टेंट है। 16th क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल, ठीक है ना। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, और उड़ीसा की कैपिटल की अगर बात करी जाए तो भुवनेश्वर। 17th क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों वेजुभाई वाला हैं, और कर्नाटक के सीएम दोस्तों BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु। 18th क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो पश्चिम बंगाल के दोस्तों वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनगर, क्या नाम है, जगदीप धनगर, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन दोस्तों भारत में कोलकाता में ही चालू हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में अभी अभी हाल ही में BJP और शिवसेना अड़ी हुई है, सीएम कौन दावेदार होगा, ठीक है। उस वहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं दोस्तों भगत सिंह कोशियार हैं, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह कोशियार, और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। 19th क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों तेलंगाना की जो वर्तमान राज्यपाल है डॉक्टर तमिल साई, क्या नाम है उनका, डॉक्टर तमिल साई। तेलंगाना की कैपिटल दोस्तों हैदराबाद है, और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 21 क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तमिलनाडु की दोस्तों कैपिटल की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। 22 क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल हैं RN रवि, ध्यान रखिएगा। 23 क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए तो प्रेम सिंह तमांग, ध्यान रखिएगा, BJP की पार्टी हो, गंगा प्रसाद। 24 क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है, और वहाँ के सीएम की अगर बात करी जाए तो मणिपुर के NBीरेन सिंह। 25 क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल तथागत रॉय हैं,
इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 26 क्वेश्चन दोस्तों, मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई, इम्पोर्टेंट है ठीक है, पी एस श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश व्यास, और त्रिपुरा के सीएम बिप्लव कुमार देव, बीजेपी की सरकार है वो, रमेश व्यास, ध्यान रखिएगा। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? त्रिपुरा की दोस्तों कैपिटल अगरतला है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। झारखंड की दोस्तों कैपिटल रांची है ठीक है। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों वर्तमान में वहां की राज्यपाल है, द्रौपदी मुर्मू। भूपेश बघेल दोस्तों यहाँ के चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का डिजाइन किसने किया था? भारतीय संसद का डिजाइन, और दोस्तों मैंने 28 अभी वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को दोस्तों प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर दोस्तों दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में दोस्तों अलग बांट दिया गया, लद्दाख को अलग बांट दिया गया। लद्दाख में दोस्तों दो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि दो जिले हैं, और जम्मू कश्मीर में दोस्तों 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर के दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए हैं वो गिरीश चंद मुर्मू जी को बनाया गया है ठीक है। और अगर लद्दाख की बात करी जाए तो आर एस माथुर को बनाया गया, आर के माथुर ठीक है, दोनों IAS अफसर हैं। और तभी से दोस्तों भारत में जो पहले 29 राज्य हुआ करते थे, तो उसमें एक राज्य घट के दोस्तों अब 28 राज्य रह गए हैं। और यूनियन टेरिटरी जब पहले 7 हुआ करती थी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वो दोस्तों अब 9 हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारतीय संसद का डिज़ाइन दोस्तों किसने किया था? दोस्तों भारतीय संसद का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट दोस्तों कौन से आर्टिकल में? मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 79 में है ठीक है, लोकसभा दोस्तों आर्टिकल 80 में है, और राज्यसभा दोस्तों आर्टिकल 81 में है। 30 क्वेश्चन दोस्तों, आगरा में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, आगरा में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए जानना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में दोस्तों लाल किले का निर्माण किसने कराया था? आगरा में लाल किले का निर्माण दोस्तों अकबर ने कराया था, और आगरा में ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। लेकिन दिल्ली में लाल किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो वो उस करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां दोस्तों मुगल वंश का शासक था, उसके पुत्र का नाम औरंगजेब था। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने पिताजी को जो शाहजहां था उनको काल कोठरी में कैद करवा दिया था। 32 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, इस जो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने ही करवाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने कराया था। अकबर के दोस्तों बेटे का नाम था जहांगीर, उसका एक नाम और था सलीम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मैंने देखा है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बुर्ज खलीफा कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन डाल दिया था। तो बुर्ज खलीफा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दुबई में ठीक है। दुबई दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरत की कैपिटल है, दुबई, UAE। 36 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 37 दोस्तों क्वेश्चन है, पारा मरकरी कितने डिग्री पर जम जाता है? तो मरकरी दोस्तों -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। परम शून्य ताप की सीमा क्या है? मतलब ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर तो कितना भी हो सकता है,
लेकिन मिनिमम टेम्परेचर की दोस्तों एक लिमिट होती है, जो सही लिमिट है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे न्यूनतम तापमान नहीं होता है। ठीक है, 39 दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस राज्य में रहते हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी किस राज्य में है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। 40 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत मुस्लिम कम्युनिटी है बताइए। सही आंसर है दोस्तों 14.2% भारत में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, एज पर 2011 सेंसिस। 41 दोस्तों क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम दोस्तों नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल। 42 क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के दोस्तों सीएम की अगर बात करी जाए तो बीएस येदियुरप्पा है। वहाँ के गवर्नर दोस्तों बेजू भाई वाला है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तराखंड में। 44 क्वेश्चन है दोस्तों, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म है रॉ की, भारत के वर्तमान चीफ कौन है, वर्तमान चीफ रॉ के कौन है। सामंत गोयल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह है। ठीक है, 46 क्वेश्चन है दोस्तों, कावल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो कावल वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के दोस्तों सीएम के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना की कैपिटल दोस्तों हैदराबाद है। और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल की अगर बात करिए तो डॉक्टर तमिल साई। 47 क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दिल्ली मेट्रो परियोजना 2002 में शुरू की गई थी। 30,000 से शाहदरा के बीच चली थी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में द मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। भारत में मेट्रो मैन कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो भारत में द मेट्रो मैन दोस्तों श्री ई श्रीधरन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम में। 49 क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। सही आंसर है दोस्तों 14,95,97,870 किलोमीटर। ठीक है ना, 14,95,97,870 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों इतना ही है। और अगर मून की पूछें तो मून की दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, अगर अर्थ का डायामीटर की अगर बात करेंगे तो अर्थ का डायामीटर है दोस्तों 12,740 किलोमीटर। 12,740 किलोमीटर, 12,740 किलोमीटर दोस्तों उसकी व्यास है, डायामीटर अर्थ का, पृथ्वी का। आज का वीडियो का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एयर इंडिया का शुभंकर क्या है, मतलब मस्कट क्या है एयर इंडिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों।